तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। मैं गौर से यही विश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीपांगन चैनल और हमेशा की तरह आपका आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, कि अगर आपका अकाउंट बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में है, कौन सा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में है, ठीक है, तो आप मोबाइल बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करेंगे मोबाइल से अपने, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप कैसे कैसे और क्या क्या कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप भूल जाएंगे, भावनाओं में खो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, जिससे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। तो यहां से आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम आपको यहां लिख करके सर्च करना पड़ेगा। आपको ये लिख करके सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जैसे सर्च कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये पे देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन की रेटिंग आप देख सकते हैं, 4.2 है, 2.5 MB की एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने फ़ोन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा और सामने ऊपर राजस्थान बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ओपन करे रहना है। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा, ठीक, और यहाँ पे रेफर करने के लिए बोलेगा आपको अपने फ्रेंड्स के पास इस एप्लीकेशन को। तो गाइस, आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और फिर आपको आईडी पासवर्ड के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ नेक्स्ट पेज ओपन होगा, इस तरीके का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि आईडी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4-5 ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि बैंकिंग का ऑप्शन है, फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, ठीक, अदर सर्विसेज है, चेंज एम पिन, माई सेटअप एंड एम कॉमर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो बैंकिंग में फ्रेंड्स, आप अपना पैसे बैलेंस इंक्वायरी चेक कर सकते हो, ठीक है, स्टेटमेंट अपना देख सकते हो कि कितने हमने कहाँ सेंड किया है, ठीक। और इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र में आप यहां से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको अपने अकाउंट से किसी अदर के अकाउंट में, किसी अन्य के अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है, तो आप इस यहां से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक। यहां से फ्रेंड्स, अपना आप एम पिन चेंज कर सकते हो, जो एम पिन आप इसमें सेट करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप बैंकिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट एंड फंड ट्रांसफ़र, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से आप ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ से अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि, और फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अपने अकाउंट से किसी अन्य के अकाउंट में। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे होम का ऑप्शन लिखा हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहां से होम पे जाना चाहते तो होम पे आप क्लिक करेंगे तो मेन डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। और यहां पे मान लीजिए कोई आपको डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो यहां पे से आप हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ मान लीजिए आप कस्टमर केयर में अगर बात करना चाहते हैं तो आप यहां से बात कर सकते हैं, ठीक है। और लॉग आउट होने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं एप्लीकेशन से। फ्रेंड्स, आप इसमें मोबाइल बैंकिंग में मोबाइल टू अकाउंट में फ्रेंड्स आप क्विकली देखिए फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि आप इसमें कोई अकाउंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं जिसमें आप पैसे केवल डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस अकाउंट से आप पैसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। बेनिफिशियरी पेमेंट का भी यहाँ पर ऑप्शन है, वो भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप अदर सर्विसेज पर आप क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स, अदर सर्विसेज में मान लीजिए आपने चेक जो है जमा किया है अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है, तो आप अपने चेक का स्टेटस यहां से जान सकते हैं, ठीक है। और
अगर आप चाहते हैं कि चेक मेरा स्टॉप हो जाए और आपके ब्रांच में ही रह जाए, ठीक है, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा करने की तब नौबत आती है, तब ऐसा करने का होता है जब आपका चेक का डेट एक्सपायर हो जाए और आप पहले बैंक में जमा किए हों, इसके बाद एक्सपायर हो जाए, ठीक है, और तब आप यहां से स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से आप अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने किसके पास किस तारीख को कितना पेमेंट किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लॉगिन आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड आपको कहां से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वो मैं बोल देता हूँ। फ्रेंड्स, आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेनी है एंड पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेना है, अपना पासबुक लेना है और दो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको लेना है, ठीक। और साथ में ही आपका मोबाइल नंबर वो आपके पास रहना चाहिए जो कि बैंक में रजिस्टर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल लेकर के आपको अपने ब्रांच में जाना है, वहाँ से इंटरनेट बैंकिंग का आपको फॉर्म लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। इंटरनेट बैंकिंग का फॉर्म लेने के बाद आपको फिल करना है, फिल करने के बाद आपको वहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ही आप वहाँ पर फिल करके सबमिट कर देंगे तो फ्रेंड्स वो आपको या तो इंस्टेंटली आपको प्रोवाइड कर देंगे आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड, या तो फिर हो सकता है कुछ टाइम लगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आपको आपका लॉगिन आईडी आपके मोबाइल पर मैसेज में नहीं आएगा, आपको ये बात पता होना चाहिए। आपको अपने बैंक मैनेजर या जो भी आपके ब्रांच में काम करता है इससे रिलेटेड, उसके पास से आपको आपकी अपनी आईडी लेनी पड़ेगी और साथ में आपको पासवर्ड भी लेना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल और पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।